कुछ स्टेटमेंट डालने के बाद अगर उसी मंडी या सेगमेंट में अगर हाईएस्ट ड्रॉप रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, ऑन थर्सडे वी डिस्कस्ड अबाउट एनएफएसए, नॉट सो स्टडी एडी। तो जैसा कि हमने बात की थी, इस इट इज अ काइंड ऑफ एरिया, इस एरिया में एक्सटर्नल एलएसएस अलाउड होते हैं बट नॉट इन फॉर्म ऑफ टाइप फाइव, इन फॉर्म ऑफ टाइप सेवन। जनरेट कौन करता है इनको? ट्रांसलेट कौन करता है इनको? एनएसएस से एपीआर। किसको ट्रांसलेट करता है? टाइप सेवन टू टाइप फाइव। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो जी, पहला केस, केस नंबर वन, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया एक नॉर्मल केस है, ये एरिया वन है और ये कौन सा एरिया है? एरिया जीरो। यहां ये जीआरपी चल रहा है आर फोर और आर फाइव के बीच में। तो आर फोर किसका काम करेगा? एसबीआर का। कौन सा टाइप का एलएसएस जनरेट करेगा? टाइप फाइव। थ्री के पास भी होगा, टू के पास भी होगा और वन के पास भी होगा। आर टू और आर थ्री क्या है? ये क्या जनरेट करेंगे? टाइप फोर। इसका मतलब आर वन के पास हर वो रास्ता होगा जिसके थ्रू वो एरिया वन में पहुंच सकता है। यस सर, दो एग्री इस बात से? क्या बोला मैंने? आर वन के पास दोनों रास्ते होंगे, उसको दोनों एबीआर से कॉस्ट पता होगी कहां तक जाने की, एएसबीआर तक जाने की। एग्री और नॉट? इसका मतलब अगर एक रास्ता बड़ा है और दूसरा रास्ता छोटा है तो आर वन पता लगा सकता है कि हु इज द बेटर एबीआर टू टेक मी टू एएसबीआर, कौन बेटर एबीआर है जो मुझे एएसबीआर तक लेके जाएगा। सेम भी कॉस्ट हो सकती है, डिफरेंट भी। तो मैं क्या कहने जाता हूं, आर वन को बेटर पाथ के बारे में हमेशा बताओ, क्योंकि आर वन के पास टाइप फोर एलएसए कितने आएंगे? दो, जिसमें किसकी कॉस्ट आएगी? एबीआर से। क्लियर? इतनी बात सबको? अगर ये सीरियल लिंक होता तो आर वन आर फोर तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ यूज करता? पाथ वाया आर टू। ठीक है, अब हम अपना केस लेते हैं। यहां क्या चल रहा है? एरिया कौन सा है? ये एरिया कौन सा है? ये एरिया कौन सा है? जीरो। अब मैंने इस एरिया को क्या बना दिया? एनएसएस। आर फोर पे क्या परफॉर्म होगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन। आर फोर किसका काम करेगा? एनएसएस से एएसबीआर। पहली बात क्लियर, कौन से टाइप का एलएसए जनरेट होगा? टाइप सेवन, जो आर टू के पास भी जाएगा और आर थ्री के पास भी जाएगा। ये दोनों क्या है? एनएसएस से एबीआर। अब गाइस, रूल क्या है? इन दोनों एबीआर में से जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वही टाइप सेवन को टाइप फाइव में ट्रांसलेट कर सकता है, दूसरा राउटर नहीं कर सकता। रूल क्या है?
इन दोनों में से जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वही ट्रांसलेट करेगा, दूसरा ट्रांसलेट नहीं करेगा। एक नॉर्मल सी बात, पहली बात किसी ने मेरे से पूछी कि आप दोनों ट्रांसलेट क्यों नहीं करेंगे। अगर दोनों राउटर ने सेम टाइप पाई वैल्यू से जनरेट किया, ठीक है, अभी कितना नेटवर्क आ रहे हैं, एक, मैं मान के चलता हूं अभी कितने नेटवर्क आ रहे हैं, एक EIGRP डोमेन से। अभी OSPF में सिर्फ एक नेटवर्क आ रहा है, तो एक सेम नेटवर्क के लिए कितने एलएस जनरेट हो रहे हैं, दो। अगर 100 नेटवर्क आ रहे होते तो, अगर 200 नेटवर्क आ रहे होते तो, अगर 400 नेटवर्क आ रहे होते तो 800 एलएसएस की कॉपी क्या हो जाती, डबल। तो एलएसएस की कॉपी कभी भी डबल ना हो, तो पावर ही किसको दी गई, एक एबीआर को। कौन से एबीआर को, जिसकी राउटर आईडी क्या होगी, वाई बड़ी। वही सिर्फ किसको ट्रांसलेट करेगा, टाइप सेवन को टाइप फाइव। अब इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। R3 ने ट्रांसलेट कर दिया किसको, टाइप सेवन टू टाइप फाइव, क्योंकि मैंने मान लिया थ्री की राउटर आईडी कितनी थी और टू की कितनी थी, कोई प्रॉब्लम। R3 ने टाइप फाइव के LSA किसको दिया, R1 को। भाई एक बात बताओ, R2 भी सेम एरिया में है तो टाइप फाइव LSA R2 को भी मिलेगा, एग्री, क्योंकि R2 एरिया जीरो को भी पार्ट है और एरिया वन का भी। इसका मतलब R2 के पास टाइप सेवन LSA भी होगा और टाइप फाइव LSA भी होगा, एग्री। लेकिन टाइप फाइव LSA मिल किससे रहा होगा, R3 से, और टाइप सेवन किससे मिल रहा होगा, R4 से, एग्री। इतनी बात सबको। अब प्रॉब्लम देखो, भूल क्या होता है, OSPF में मेरे पास मल्टीपल एडीज नहीं है, मैं रीजन बता रहा हूं आपको। EIGRP में मेरे पास मल्टीपल एडीज थी ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसलिए थी राउट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि EIGRP में कोई वे नहीं था पता लगाने का कि कौन सा राउट इंटरनल और कौन सा राउट एक्सटर्नल, इसलिए मेरे पास क्या थी वहां पे डिफरेंट एडीज। लेकिन OSPF के केस में मेरे पास वे है पता लगाने का कौन सा राउट, कौन सा राउट इंटरनल और कौन सा राउट एक्सटर्नल। सबसे पहले राउट सकते हैं OSPF में इंट्रा एरिया राउट, कौन से होते हैं, उसके बाद इंटर एरिया, उसके बाद एक्सटर्नल टाइप टू, उसके बाद एक्सटर्नल टाइप वन। अब E1 E2 आपको पता, मैंने आपको क्या बताया था, NSS से एरिया में राउट्स कैसे होते हैं, N1 और N2। N1 का मतलब NSS से एक्सटर्नल टाइप 1, N2 का मतलब NSS से एक्सटर्नल टाइप 2। जो E1 का बिहेवियर होता है वही किसका बिहेवियर होता है, N1 का। जो E2 का बिहेवियर होता है वही किसका बिहेवियर होता है, N2 का। अब मेरे को देखना है नोड्स की प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस का मतलब अगर OSPF को सेम रूट, एक सेम रूट इंटर एरिया में लर्न हो रहा है, इंट्रा भी लर्न होना, तो प्रेफर कौन सा होगा, याद रखना इंट्रा एरिया आर द मोस्ट प्रेफर्ड रूट। इंट्रा एरिया, इंट्रा एरिया के बाद इंटर एरिया, इंटर एरिया के बाद E1, एक्सटर्नल टाइप 1, एक्सटर्नल टाइप 1 के बाद एक्सटर्नल टाइप 2, उसके बाद NSS से एक्सटर्नल टाइप 1, उसके बाद NSS से एक्सटर्नल टाइप 2, एग्री, कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कौन से थे, सेकंड इंटर, थर्ड E1, फोर्थ E2, फिफ्थ सिक्स, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन से हैं, इंट्रा एरिया। कहानी खत्म। तो ऐसे लिख देता हूं इनको, देखो OR प्रेफर्ड ओवर IA, IAR प्रेफर्ड ओवर E1, are preferred over E2, are preferred over N1, and N1 is preferred over N2. मतलब least preferred root कौन से हैं और most preferred root कौन से हैं, कोई problem इस बात में किसी को भी नहीं। अब दोबारा आ जाता हूं R2 के पास। R2 के पास जो इधर से root आ रहा है वो कैसा है, जो इधर से root आ रहा है वो कैसा है, E2। सेम root है, इधर से कैसा आ रहा है, इधर से कैसा आ रहा भाई, इधर से N2 आ रहा, इधर से कैसा आ रहा है E2। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इसके लिए बेस्ट कौन सा हो जाएगा, E2। अगर इसके लिए बेस्ट होगा तो इसको रूट एडवर्टाइज कौन कर रहा होगा, R3। अब इसके पास R3 का टाइप 1 LSA होगा, ये नेक्स्ट स्टॉप देखेगा 3.3.3 तक पहुंचने की, क्या होगी वो वायर,
आर वन, इसका मतलब आर टू को जब भी उस EIGRP नेटवर्क पर पहुंच रहा होगा पाथ कौन सा यूज होगा? वाया आर वन, वाया दिस इज द प्रॉब्लम, ये द प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब ऑप्टिमल राउटिंग का मतलब है कि मेरे पास एक डायरेक्ट पाथ अवेलेबल है आर टू और आर फोर के बीच में, लेकिन मैं पाथ सेलेक्ट कौन सा कर रहा हूं? वाया आर आर वन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? ये ऐसा हो क्यों रहा है? रीजन क्लियर? अब ध्यान से देखना, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। ये NSSA का बिहेवियर है, दिस इज बिहेवियर ऑफ NSSA कि जब भी टाइप 7 LSA ये राउटर जनरेट करेगा ना, ये राउटर उस LSA में एक फील्ड होगी। क्या फील्ड होगी? फॉरवर्डिंग एड्रेस। उसमें उस वैल्यू को ये फिल कर देगा। फिल किससे करेगा? सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है किसको? मिलती है दूसरी प्रेफरेंस मिलती है इसको, मिलती है इंटरफेस आईपी। अगर राउटर आईडी राउटर में डिफाइंड नहीं है, आपने मैनुअली डिफाइन नहीं की, सॉरी, सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है लूपबैक को और दूसरी प्रेफरेंस मिलती है इंटरफेस आईपी को, ये राउटर आईडी नहीं आएगा यार। क्या क्या आएगा? लूपबैक। अगर इस राउटर में लूपबैक है तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी? लूपबैक, और दूसरे किसको मिलेगी? इंटरफेस। अब क्या होगा, ये राउटर जब भी टाइप 7 LSA जनरेट करेगा उसमें क्या लगा के भेजेगा? एक फॉरवर्डिंग एड्रेस, ठीक है। इसके बाद सर इसने क्या किया? ट्रांसलेट टाइप 7 को टाइप 5। अब जब टाइप 7 टू टाइप 5 ट्रांसलेट होगा तो भी फॉरवर्डिंग एड्रेस कैरी फॉरवर्ड साथ हो जाएगा। कौन से LSA में? टाइप 5। कौन से LSA में? टाइप पहले किस LSA में प्रेजेंट था? 7 में। फिर किस में प्रेजेंट था? टाइप 5 में। मतलब अब जो R2 के पास एक टाइप 5 LSA आएगा उसमें क्या हुआ? एक फॉरवर्डिंग एड्रेस। फॉरवर्डिंग एड्रेस लगाने का लॉजिक क्या है कि राउटर जब भी लुकअप करे उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जिसमें फॉरवर्डिंग एड्रेस लगा हुआ है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग राउटर इट मस्ट लुक फॉर फॉरवर्डिंग एड्रेस। वो लुकअप किसके लिए करेगा? फॉरवर्डिंग एड्रेस के लिए। उसको पता होगा कि अगर मुझे एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचना है तो मुझे इस इंटरनल नेटवर्क पे जाना है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग राउटर वो इसके लिए लुकअप करेगा फॉरवर्डिंग एड्रेस, ठीक है जी। जिसकी वजह से आर टू को पता चल जाएगा, लेट से इस पे लूपबैक था, आर टू को पता चल जाएगा हाँ भाई अगर मुझे उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल नेटवर्क पर पहुंचना है तो मुझे एडवर्टाइजिंग राउटर पे लुकअप नहीं करना, किसका लुकअप करना है? फॉरवर्डिंग एड्रेस पे, और वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा? आर फोर। तो फॉरवर्डिंग एड्रेस लगाने का लॉजिक क्या है? सब ऑप्टिमल राउटिंग को प्रिवेंट करना। क्या करना? सब ऑप्टिमल राउटिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है जी। देखो ये उस दिन हमने डिस्कस किया था, ये आर वन है, ये आर टू, ये आर थ्री, ये कौन है, यह एरिया कौन सा है? यह एरिया कौन सा है? जीरो। हमने इस एरिया को क्या बना दिया? ये बंदा क्या बन गया? ये कौन सा LSA जनरेट करेगा? ये बंदा क्या जनरेट करेगा? 7 2। कोई प्रॉब्लम? इस एरिया में टाइप 4 की जरूरत होगी? कभी भी इस एरिया में टाइप 4 LSA की जरूरत नहीं होगी। अगर एक और एरिया होता है एरिया 2 तो इस एरिया में किसकी जरूरत होती? टाइप 4 की, ठीक है। अब यार लेट्स से यहां से भी कौन कनेक्टेड है? एक ISP, फाइन। आर थ्री भी क्या बन चुके अब? ASBR, NSSA क्यों? कोई एरिया NSSA थोड़ा ना भाई, ठीक है जी। अब इन्हें टाइप 5 LSA जनरेट करके किसको दिए? R1 को। अब R1 के पास मैंने बताया था आपको ये पावर नहीं होती कि 5 को किसमें ट्रांसलेट कर दे? 7। ये पावर नहीं है, तो
अब कभी भी एनएसएस से एबीआर मेरे टाइप फाइव एलएसएस को एंटर करने ही नहीं देगा एनएसएस से एरिया में, यस और नो? कभी भी एनएसएस से एबीआर मेरे टाइप फाइव एलएसएस को एरिया एनएसएस से एरिया में एंटर करने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है टाइप फाइव टू टाइप सेवन ट्रांसलेट करने की। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया टोटली एनएसएस से, कि भाई मैं अपने एक्सटर्नल नेटवर्क तो ना दूं इस एरिया में, लेकिन मैं क्या दे दूं है डिफॉल्ट रूट, क्या दे दूं है डिफॉल्ट रूट। तो इस बार एनएसएस से एबीआर क्या करेगा, इस पूरे एनएसएस से एरिया में क्या सेंड कर देगा, एक डिफॉल्ट रूट। कौन से एनएसएस के फॉर्म में? टाइप थ्री, टाइप थ्री। टोटली से याद नहीं आया कुछ? तो जब दोनों तरफ से एक्सटर्नल नेटवर्क आ रहे हो तो आपको एनएसएस एरिया को क्या बनाना पड़ता है? टोटली एनएसएस से, टोटली एनएसएस से। अब चार तरह के एरिया पढ़ लिए हमने। सबसे पहले, उसके बाद आफ्टर दैट टोटली स्टब क्या होता है? टाइप फोर नॉट अलाउड, और एबीआर क्या जनरेट करेगा? एक कौन से एलएसए की फॉर्म में? टाइप थ्री। कॉस्ट क्या होगी इस डिफॉल्ट रूट की? टोटली स्टब, थ्री बी फिल्टर, फोर बी आर, एबीआर फिर क्या जनरेट करेगा? ठीक है जी, एनएसएस से फोर बी फिल्टर और फाइव बी फिल्टर, कौन सा एलएसए जनरेट करता है यहाँ पे? सेवन। सेवन क्या होता है हमेशा? एरिया स्पेसिफिक। जनरेट कौन करता है? प्रॉब्लम टोटली एनएसएस से, थ्री बी अलाउड नहीं होगा, फोर बी और फाइव बी, कौन सा एलएसए जनरेट करेंगे? तो यहाँ पे रहेंगे सेवन। सेवन क्या होते हैं हमेशा? कौन जनरेट करेगा? एनएसएस से एएसबी, और साथ ही साथ क्या होगा? एक कौन जनरेट करेगा? एनएसएस से एबीआर। कौन जनरेट करेगा? एनएसएस से एबीआर। ठीक है जी, मेरे हिसाब से हमने स्टब और टोटली स्टब का प्रैक्टिकल कर लिया था, हमें एनएसएस से और टोटली एनएसएस से का प्रैक्टिकल। बताओ ये आगे कल मत बोलियो सर, मैंने उसकी राउटर आईडी बढ़ा दी इसलिए वो कर रहा था। हाँ पॉसिबल नहीं है वैसे।
कहाँ गया भाई? देखो जी सारे रूट आर फोर पे, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ मेरी एंड टू एंड रीचेबिलिटी हो गई है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं तो मैं क्या करता हूँ, आर फोर पे लूप बैक बनाता हूँ जिसको EIGRP में एडवर्टाइज कर देता हूँ। ठीक है जी, और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा EIGRP इसमें OSPF। ठीक है, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क
राउटर OSPF फॉर रिडिस्ट्रीब्यूट आर वन पे आ गया शो आईपी OSPF डेटाबेस टाइप फोर LSA कितने आ रहे हैं दो एक की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है 2.2.2.2 और एक की कौन दे रहा है और टाइप फाइव LSA कौन जनरेट कर रहा है 4.4.4.4 और नेटवर्क कौन सा 100.100.100.100 ठीक है जी ये हमारा पहला केस है और अगर मैं राउटिंग टेबल देखूं बेस्ट पाथ कहां से है R2 से कहां से है बेस्ट पाथ क्योंकि R2 कम कॉस्ट दे रहा है देखिए ये देखो जी R2 बता रहा है कि उससे ASBR कितना दूर है एक मिनट जी ये इसने 4.4.4 तक जाने की बेस्ट कॉस्ट निकाल रखी है कितनी 20 मैं आपको दिखा देता हूँ टाइप 4 LSA देखो शो आईपी OSPF डेटाबेस ASBR समरी एक LSA में मीटर कितनी आ रही है और दूसरे में कितनी आ रही है 64 तो इसने क्या निकाल रखी है बेस्ट कॉस्ट कहां तक जाने की ASBR तक जाने की अब एक कौन एडवर्टाइज कर रहा है दूसरी कौन एडवर्टाइज कर रहा है 3.3.3.3 और दो डॉट कितनी कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहा है 10.3.3.3 ठीक है जी दो डॉट दो तक जाने की कॉस्ट क्या है 10 10 प्लस 10 20 तो इसने बेस्ट बात निकाल रखा है कि 4.4.4 तक जाने का रास्ता कहां से है 12.0.0.2 क्योंकि कॉस्ट क्या है वहां से लीस्ट और नीचे से कॉस्ट क्या है ज्यादा दिस थिंग इज क्लियर अब देखो जी ध्यान से ये भी कैसा एरिया सॉरी ये कौन सा एरिया ये कौन सा एरिया कौन सा एरिया कैसा एरिया NSS कोई प्रॉब्लम नहीं करे भाई एरिया वन को NSS से बनाए अब कैसे बनाऊंगा देखो R3 पे गया राउटर OSPF 3 एरिया वन इस पे आया राउटर OSPF एरिया वन तो R4 भी चलते हैं सबसे पहले देखो जी ध्यान से शो आईपी OSPF नंबर ऑफ इंटरफेसेस इन दिस एरिया 3 इट इज एन नंबर ऑफ एरियाज रनिंग ऑन दिस राउटर इज वन और वो एक ही एरिया क्या है NSS कौन से टाइप का LSA जनरेट हो रहा है टाइप 7 और किसी एरिया से बिलोंग करता है या नहीं करता कौन से एरिया से बिलोंग करता है एरिया वन से कोई प्रॉब्लम LSA को खोलिए कैसे देखूंगा शो आईपी OSPF डेटाबेस NSS से एक्सटर्नल 100.100.100.100
कौन एडवर्टाइज कर रहा है? स्लैश क्या है? मैट्रिक क्या है बाय डिफॉल्ट? मैट्रिक टाइप क्या है? टू। फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या है? फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? क्या फॉरवर्डिंग एड्रेस? फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट। अब अगर मैं आर थ्री पे जाऊं तो ट्रांसलेट किसको करना चाहिए अकॉर्डिंगली? टाइप सेवन टू टाइप फाइव किसको ट्रांसलेट करना चाहिए? आर थ्री को। देखते हैं देख लो। इसके बाद टाइप सेवन भी पड़ा, टाइप सेवन मिल रहा है इसको, ऑन दे रहा है चार डॉट चार डॉट चार डॉट चार। और ये क्या जनरेट कर रहा है? खुद टाइप फाइव एडवर्टाइजिंग राउटर कौन हुआ? थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट, मतलब तीन डॉट तीन डॉट तीन ही किसको ट्रांसलेट कर रहा है? सात को पांच में, सात को पांच में। ठीक है भाई क्यों कॉस्ट कम है ना? कॉस्ट की तो अभी बात ही नहीं आई भाई। अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने कॉस्ट की बात नहीं की। दो मिनट रुक जा यार, बात ऊपर वाला कभी फॉलो नहीं होगा। भाई लूप बैक था ना, वो तो राउटर आईडी बन गया ना, था तो वो लूप बैक, वो तो राउटर आईडी बन गया। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एलएसएम में फॉरवर्डिंग एड्रेस कैरी हो गया फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर। तो टाइप सेवन एलएसएम में भी है, देख सकते हो आप। अगर आप यहाँ लिखते हो एनएसएस एक्सटर्नल, इसमें भी क्या है? फॉरवर्डिंग एड्रेस। ठीक है जी, जो जनरेट कौन कर रहा था? चार डॉट चार डॉट चार डॉट चार। उसके बाद साथ ही साथ किसमें फॉरवर्डिंग एड्रेस टाइप फाइव एलएसएम। ठीक है, शो आई पी राउट ओ एस पी एफ। कौन सा राउट प्रेफर हो रहा है? सौ डॉट सौ डॉट सौ तक जाने के लिए एन टू। इसके पास टाइप सेवन आ रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है कि टाइप सेवन को किसमें? टाइप फाइव में। ये टाइप सेवन को किसमें ट्रांसलेट कर रहा है? टाइप, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको टाइप फाइव कहीं से मिल रहा है। ये कंपेरिजन नहीं कर सकता, जैसे आर टू पे मैंने कंपेरिजन करवाया था ना, उसको टाइप फाइव भी मिल रहा है और टाइप सेवन में मिल रहा है। ये कभी कंपैरिजन नहीं करेगा, क्यों? ये खुद ही ट्रांसलेट कर रहा है किसको? टाइप सेवन को टाइप फाइव में। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टॉप देख ले भाई क्या है। देख इधर 3400 4 डायरेक्टली नेक्स्ट स्टॉप कौन है? आर चार। कौन है नेक्स्ट स्टॉप? आर फोर। क्यों है रीजन? कॉस्ट ऐड करा दूंगा तो आपके हिसाब से वो पास हो जाएगा। कॉस्ट तो फॉरवर्डिंग अभी भी फॉरवर्ड हो ही रही होगी। शो आईपी रूट फॉरवर्ड मीट्रिक हो तो रही है, कितनी फॉरवर्ड मीट्रिक आ रही है? 65। भाई हमने कॉस्ट की बात की थी, मैंने आपको बताते हुए कॉस्ट की बात की थी, नहीं फिर आप कॉस्ट की बात बीच में क्यों ला रहे हो? Why you are thinking about that shit? रुक जाओ, कॉस्ट के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है जी, तो फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या आ गया? मेरे फॉरवर्ड मीटरिंग मेरे साथ 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 कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जैसे E2 के केस में होती थी भाई। फॉरवर्ड मीटरिंग साथ के साथ क्या होती थी? कैरी फॉरवर्ड। अब R3 के पास टाइप 7 LSA आया, R3 ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? 5 में। और ऊपर किसको दे दिया? R2 को। तो R2 पे चलते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटा में। इसके पास आ रहा है टाइप 7 और दूसरा कौन सा आ रहा है? टाइप 5। टाइप 5 इसको कौन दे रहा है? 3.3.3.3। कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं। इसमें भी फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या लग के आ रहा है? चार डॉट चार डॉट चार डॉट दूसरा। इसमें भी फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या लग के आ रहा है? चार डॉट चार डॉट चार डॉट चार। शो आईपी रूट ओएसपीएफ। कौन सा रूट लर्न किया इसने? 100 वाला। कौन सा रूट लर्न किया इसने? 100 वाला। और नेक्स्ट स्टॉप क्या है?
24 जीरो जीरो जा रहा मतलब डायरेक्टली किसके पास जा रहा है? आर फोर के पास. किसके पास जा रहा है? आर फोर के पास. कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? भाई एक्चुअली होता क्या है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग राउटर मैं किसके लिए लुकअप करता हूँ हमेशा? फॉरवर्डिंग एड्रेस के लिए. और जो मेरी नेक्स्ट स्टॉप होती है फॉरवर्डिंग एड्रेस तक पहुंचने की, वही नेक्स्ट स्टॉप मैं उस राउट के लिए अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता हूँ. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा यार, आर थ्री पे फॉरवर्डिंग एड्रेस को टाइप फाइव एलएसए में कैरी होने नहीं दूंगा. मैं राउटर को बोलूंगा तेरे को फॉरवर्डिंग एड्रेस को टाइप फाइव एलएसए में क्या भेज रहे हैं? 0.0.0.0. देखो जी कैसे करते हैं जी. इसको बोलते हैं सप्रेसिंग ऑफ फॉरवर्डिंग एड्रेस. क्या बोलते हैं? सप्रेसिंग ऑफ फॉरवर्डिंग एड्रेस. ये चीज आपके सिलेबस पे नहीं है, सिर्फ एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है अगर आप समझना चाहते हो. राउटर ओएसपीएफ 3 एरिया 1 एनएसएसए ट्रांसलेट टाइप 7 और सप्रेस क्या कर दे? फॉरवर्डिंग एड्रेस. अब देखो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस टाइप 5 एलएसए दोबारा जनरेट हुआ. शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस. इसमें फॉरवर्डिंग एड्रेस है नहीं है? मैं किस पे गया? आर टू कौन सा रूट प्रेफर कर रहा है? एन टू. अब ई टू रूट प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस रख के नहीं आ रहा अभी. अभी अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखो, फॉरवर्डिंग एड्रेस रख के नहीं आ रहा ना. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऊपर वाले लिंक की कॉस्ट कम है तभी वो 24004 वाला पास डायरेक्टली प्रेफर हो रहा है. मैं क्या करता हूँ, इसके इंटरफेस FA0/1 की कॉस्ट कितनी कर देता हूँ? कितनी कर दी? 13. कौन सा रूट प्रेफर हो रहा है? E2. ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिंपल लॉजिक नाउ. जब फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं होगा तो डिसीजन किसके बेस पे होगा? कॉस्ट के बेसिस पे. किसके बेसिस पे? कॉस्ट. जब तक फॉरवर्डिंग एड्रेस है डिसीजन किसके बेसिस पे होगा? फॉरवर्डिंग एड्रेस के बेसिस पे. तब मैं कॉस्ट को कभी भी चेक नहीं करूंगा. और जब फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं होगा तो डिसीजन किसके बेसिस पे होगा? तो यही तो हो रहा है. अब मैंने यहां से कॉस्ट क्या कर दी? बढ़ा दी. अब आर टू को यहां से फॉरवर्डिंग एड्रेस करी मिल दिया तो क्या कर रहा है? कॉस्ट के बेसिस पे किसको सेलेक्ट कर ले रहा है? पी टू वाले पास को, क्योंकि उसका कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं. इस तरह से क्लियर. अब देखो जी ये बात समझ में आई. अब मैं आर थ्री पे जाके क्या करता हूं, फॉरवर्डिंग एड्रेस दोबारा लगा देता हूं. ठीक है, ये कमांड मैंने क्या कर दी? रिमूव. पाथ चेंज हो गया भाई, आ गया 24004. अभी भी कॉस्ट इधर से क्या ज्यादा है, फिर भी पाथ यही वाला सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने क्या बोला, जब फॉरवर्डिंग एड्रेस होगा डिसीजन किसके बेसिस पे होगा? फॉरवर्डिंग एड्रेस के बेसिस पे. राउटर देखेगा भाई उस फॉरवर्डिंग एड्रेस तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 24004. ये देखो ना, 4 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 24004. तो मेरे इस एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने के लिए भी नेक्स्ट स्टॉप क्या होगी? 24004. मैं कभी कॉस्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं होगा तो क्या कंपेयर करूंगा? क्लियर. तो यार ये तो था आपका एनएसएसए, फिर टाइप 7 कौन जनरेट करेगा, ट्रांसलेट कौन करेगा, आगे फॉरवर्ड कैसे होगा. नेक्स्ट थिंग आती है टोटली एनएसएसए. लेट्स से आर वन इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ एएसबीआर. आर वन भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? तो आर वन पे भी एक लूपबैक बनाते हैं. डन. राउटर ईआईजीआरपी
100 नेटवर्क डन राउटर कौन सा टाइप का एल एस एस जनरेट कर दिया इसने टाइप फाइव किसने जनरेट किया आर वन ने कोई प्रॉब्लम मैंने क्या बोला था आर टू और आर थ्री कभी भी टाइप फाइव को टाइप सेवन में ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो देख लो टाइप फाइव तो आ रहा है इनके पास लेकिन वो टाइप सेवन में ट्रांसलेट नहीं हो रहा ना वरना करना चाहिए था ना भाई थ्री टू डॉट टू को यार थ्री डॉट थ्री को किसमें टाइप फाइव को टाइप सेवन में आर थ्री में जाके वेरीफाई कर लो टाइप फाइव आ रहा है इसके बाद वन डॉट वन डॉट वन एडवर्टाइज कर रहा है क्या हुई है उसको टाइप सेवन में ट्रांसलेट कर रहा नहीं कर रहा तो मेरे को रीचेबिलिटी तो चाहिए फिर मैं क्या बना दूंगा इस एरिया को टोटली एनएसएस तो टोटली एनएसएस से बनाते ही याद रखना एरिया वन में से सारे टाइप थ्री एलएसएस भी क्या हो जाएंगे सप्रेस क्या हो जाएंगे सप्रेस तो आर थ्री और आर टू मेरे क्या है एबीआर आर थ्री और आर टू मेरे क्या है एनएसएस से एबीआर इन दोनों पे मेरे को क्या कमांड चलानी पड़ेगी ध्यान से देखो राउटर ओएसपीएफ थ्री एरिया वन एनएसएस से उसके बाद नो इजी राउटर ओएसपीएफ टू एरिया वन एनएसएस से ठीक है भाई आ जाओ आर फोर पे रिजल्ट देख में सारे टाइप थ्री एरिया वन में क्या हो गया सप्रेस सिर्फ दो के आ रहे हैं डिफॉल्ट रूट एक कौन जनरेट कर रहा है दूसरा कौन जनरेट कर रहा है शो आईपी और एसपीएफ डेटाबेस समरी इस डिफॉल्ट रूट की मेट्रिक क्या है इसका मतलब स्टब काइंड ऑफ एरिया में जब भी एबीआर डिफॉल्ट रूट जनरेट करता है उसकी मेट्रिक क्या होती है पर यही दिखाई है हमेशा दो डिफॉल्ट रूट आ रहे हैं दोनों की मेट्रिक क्या है पर ठीक है जी पिंग मार लो अब किसको सोर्स पे रख लो अपना नेटवर्क हो रहा एंड टू एंड रीचेबिलिटी मिलगी दिस थिंग इज क्लियर तो इसलिए यूज करता हूं मैं एनएसएस से टोटली सॉरी टोटली एनएसएस कोई प्रॉब्लम इसमें तो सोच लो थोड़ी देर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें पूछ लो पांच चार मिनट फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है समराइजेशन का क्या मतलब है ओएसपीएफ सिर्फ क्या सपोर्ट करता है मैनुअल समराइजेशन वो भी सिर्फ दो ही टाइप के राउटर्स पे एक होते हैं एबीआर दूसरे होते हैं एएसबीआर जैस पहली बात तो ऐसा क्यों लेट्स से एक सिंगल एरिया ये राउटर नंबर टू है आपने इस पे समरी कर दी सबसे पहली बात समरी ओएसपीएफ में इंटरफेस स्पेसिफिक नहीं होती क्या नहीं होती इंटरफेस स्पेसिफिक अगर मैंने आर टू पे कुछ नेटवर्क समराइज कर दिए प्रॉब्लम क्या आएगी भाई R1 से वो नेटवर्क आ रहे तूने R2 पे समराइज कर दिया तू जाता है R3 पे समरी जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं है क्यों एक एरिया पे हर राउटर का डेटाबेस क्या होना चाहिए सेम अगर तुम किसी भी नेटवर्क की समरी करोगे डेटाबेस ही क्या हो जाएगा चेंज तो एक एरिया में समरी करना पॉसिबल नहीं नॉर्मल सर दूसरी बात हम समरी करके किस पे सकते हैं एबीआर पे और एबीआर कौन से टाइप के एलएसएस जनरेट करता है
टाइप थ्री समरी एलएस से। एएसबीआर कौन से टाइप के एलएस जनरेट करता है? टाइप फाइव। इसका मतलब एबीआर पे कौन से टाइप के एलएसएस की समरी होती है? टाइप थ्री, और एएसबीआर पे टाइप फाइव। ठीक है जी, एक सिंगल सिंगल कमांड है, आपको समरी करके दिखा देता हूं कि एबीआर पे भी आप समरी कर सकते हैं और एएसबीआर पे। एक और चीज हमेशा याद रखना, ओएसपीएफ के केस में आप 0.0.0 समरी नहीं क्रिएट कर सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसे ईआईजीआरपी के केस में अगर आपको याद हो तो हम क्या क्रिएट कर लेते थे, 0.0.0.0.0.0.0 समरी क्रिएट कर लेते थे ना, वो ओएसपीएफ में नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये रूल इसलिए बनाया गया, ये एबीआर है, ये कौन है? एएसबीआर। गलती से बंदा यहां से भी समरी जनरेट करा देगा और यहां से भी जनरेट करा देगा, तो क्या बन सकती है? लूप। बीच के राउटर्स तो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। तो कौन सा डिफॉल्ट राउट यूज करना? तो कभी भी ओएसपीएफ के केस में आप 0.0.0 की समरी क्रिएट नहीं करवा सकते। अपने आप हो सकती है, अपने आप कैसे हो सकती है? अगर आप एरिया क्या बना रहे हो, स्टब, फिर या फिर क्या बना रहे हो, या फिर क्या बना रहे हो, टोटली एनएसएस। एनएसएस के केस में कभी भी डिफॉल्ट रूट जनरेट नहीं होता। दिस थिंग इज क्लियर? तो ये है ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूट क्रिएट करवाने के मेथड, किसमें? ओएसपीएफ। फाइन, इसी डायग्राम में पढ़ ले। एरिया वन को मैं एनएसएस से रिमूव कर देता हूं, तो R1 पे जाके देख लेते हैं, चेंज पता चल जाएगा। टाइप 5 भी आ रहा सीधा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? एक ही टाइप 5 आ रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? 4.4.4.4 मतलब मैंने वो एरिया एनएसएस से क्या कर दिया, खत्म। फाइन, अब मैं क्या करता हूं यार, सबसे पहले आपको टाइप 3 एलएसएस की समरी करके दिखा देता हूं। फाइन, तो R1 पे कुछ लूपबैक बना लेते हैं जो हम एरिया 0 में डाल देंगे। चल गया सारे लूप बैक्स पे ओएसपीएफ। फाइन, तो आर टू और आर थ्री पे आके नेटवर्क देख लो। आर टू पे आ जाओ, शो आईपी राउट ओएसपीएफ। इस पे आ रहे हैं देखो 10 के सारे नेटवर्क्स। ये इनकी समरी करके कौन से एरिया में दे रहा है? एरिया वन में, और आर थ्री भी दे रहा होगा। शो आईपी ओएसपीएफ, इसके बाद भी आ रहे हैं सारे नेटवर्क्स। ये इनकी समरी करके किस एरिया में दे रहा है? एरिया वन में। तो अगर आप R4 पे जाके देखोगे, एक्चुअली आपके पास दो दो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, तो आप देख सकते हो जितने भी नेटवर्क्स हैं एरिया वन में उनको एडवर्टाइज करने वाले कितने राउटर हैं? दो, दो डॉट दो डॉट दो भी एडवर्टाइज कर रहा है, और तीन डॉट तीन डॉट तीन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, जो लीस्ट कॉस्ट डिफाइन कर रहा होगा, या फिर मेरी जिस एबीआर तक पहुंचने की लीस्ट कॉस्ट होगी, मैं वो वाला पाथ यूज कर लूंगा, यही रूल आएगा। ठीक है, अब मैं आर टू पे जाके क्या कर देता हूँ समरी। समरी कैसे करनी है देखो जी ध्यान से।
सबसे पहला रूल समरी करने के लिए, अगर मैं किन्हीं नेटवर्क की समरी करना चाहता हूँ और वो टाइप थ्री, बेसिकली वो टाइप थ्री एल एस एस इनकी मैं समरी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या होना चाहिए? ए बी आर। अगर मैं ए बी आर नहीं हूं तो मैं टाइप थ्री एल एस एस की समरी नहीं कर सकता। दूसरा रूल, जब भी ए बी आर समराइज करेगा तो कॉस्ट कौन सी फॉरवर्ड होगी उन नेटवर्क्स में से, जब जिसकी सबसे लीस्ट कॉस्ट होगी वही समरी के लिए आगे क्या होगी, फॉरवर्ड। थिंग इज क्लियर? और समरी तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक वो नेटवर्क एग्जिस्ट करेगा। देखो जी, राउटर ओएसपीएफ 2 कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं नेटवर्क्स? जीरो। कौन से एरिया से? मतलब एरिया के बाद नंबर कौन सा लिखना है एरिया का, जिस एरिया से वो नेटवर्क बिलोंग करते हैं। कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? जीरो। उसके बाद क्या लिखूंगा? रेंज, एड्रेस 10.1.0. उसके बाद ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को नहीं? उसके बाद कॉस्ट भी डिफाइन कर सकते हो समरी के साथ आप मैनुअली, वरना बाय डिफॉल्ट कॉस्ट क्या होगी? जो लीस्ट होगी। ठीक है जी, खत्म। आर फोर पे आ जाओ, चेंज देख लो। देखो जी, अब ये तीन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन तो आर थ्री दे रहा है अलग अलग, लेकिन आर टू सिर्फ क्या दे रहा है? एक समरी। दिख गया आपको? आर टू सिर्फ क्या दे रहा है? समरी। अब राउटिंग टेबल चेक करो, ये आ रहे हैं सारे नेटवर्क्स, ये तीन तो इंडिविजुअल नेटवर्क्स आ रहे हैं, और ये क्या आ रही है? समरी। ये क्या आ रही है? समरी। कोई प्रॉब्लम? इंडिविजुअल नेटवर्क्स कौन से रास्ते से आ रहे हैं? नीचे वाले पास से R3 से, और समरी कौन से रास्ते से आ रही है? ऊपर वाले पास से R2 से। कोई प्रॉब्लम? अब अगर R4 को किसी भी नेटवर्क पे पहुंचना होगा तो रास्ता कौन सा यूज होगा? वाया आर थ्री। ऐसा क्यों होगा? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। थिंग इज क्लियर? इसलिए ऐसा क्यों होगा? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। कोई प्रॉब्लम? तो समराइजेशन को अगर आपके पास दो ए बी आर हैं तो आप पाथ मैनिपुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। याद रखना इस चीज को, अगर आपके पास क्या है? दो ए बी आर। अगर एक ही ए बी आर है तो कभी भी पाथ मैनिपुलेशन के लिए यूज नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर? तो मैं आर थ्री पे भी समरी कर सकता हूँ, चाहूं तो करके दिखा देता हूँ दोबारा आपको। राउटर क्या कमांड होगी भाई? एरिया जीरो को लिख रहा हूँ, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या लिखूंगा? रेंज के बाद, उसके बाद आ जाओ बार फोर पे दोबारा जाओ देखने। अब टू भी क्या एडवर्टाइज कर रहा है? समरी। और थ्री भी क्या एडवर्टाइज कर रहा है? समरी। कोई प्रॉब्लम? दोनों बंदे क्या दे रहे हैं? सेम समरी। अब तो सेम समरी में से डिसाइड होगा बेस्ट कौन सी है। बेस्ट कौन सी है? 2400 दो वाली, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है? कम है। वाया आर टू कॉस्ट क्या है? कम है। दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आर फोर पे मैंने EIGRP 100 चला रखा है, तो आर फोर पे क्या करता हूँ, कुछ नेटवर्क बनाता हूँ जो EIGRP में डाल देता हूँ, फिर उनकी समरी करके दिखा देता हूँ किस पे, ASPR पे। ठीक है जी, देखो जी नेटवर्क्स कैसे होंगे, जैसे कि राउटर EIGRP
नेटवर्क नो ऑटो शो आईपी डेटा बेस हो रहा है भाई, तीन एलएसए जनरेट हो रहे हैं। आप क्या जाते हो, तीन की जगह कितने एलएसए जनरेट हो, सिर्फ एक। समराइज करना चाहते हो टाइप फाइव एलएसए को तो कैसे करोगे, राउटर ओएसपी एफ फोर क्या लिखा मैंने, क्या टाइप फाइव एलएसए कभी किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, नहीं। समरी एड्रेस 172.168.0.0.255.255.252.0, बस ये कमांड चलाई, इससे टाइप फाइव एल एस ए क्या हो गए, क्या हो गए, सप्रेस हो गए। पहले कितने एल एस ए आ रहे थे, तीन, अब कितने आ रहे हैं, एक सिंगल। तो मैंने टाइप फाइव एल एस ए सप्रेस करने में बता दिया आपको, और टाइप कॉस्ट इसकी भी क्या है, क्या कॉस्ट है इसकी, और दिक्कत जी इसमें, इट्स इजी। How to generate default route in USP. तो तीन वे आपको पता है कि तीन तरह से आप अपने एरिया का मोड चेंज कर सकते हो, इट कैन बी स्टब, इट कैन बी टोटली स्टब, इट कैन बी टोटली एनएसएस, उस केस में डिफॉल्ट रूट जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात, और क्या वे है ओएसपीएफ में डिफॉल्ट रूट जनरेट करने का, ये लो ये भी चेक करा देता हूँ आज तुम्हें। आर फोर पे फेक डिफॉल्ट रूट बना दो, आईपी स्पेस रूट नेक्स्ट स्टॉप हुआ, कभी भी ओएसपीएफ में डिफॉल्ट रूट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब इसके राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट तो आ गया, देख गया आपको, देख रहे शो आईपी रूट स्टैटिक। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस डिफॉल्ट रूट को एडवर्टाइज कर सकता हूं ओएसपीएफ में इन फॉर्म ऑफ टाइप फाइव एलएसए। क्या कर सकता हूं, इस डिफॉल्ट रूट को एडवर्टाइज कर सकता हूं किसमें, OSPF में इन फॉर्म ऑफ, पर मैं इसको रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं इसको रिडिस्ट्रीब्यूट, तो पहले मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली कमांड रिमूव कर देता हूं, ठीक है, खत्म कर दी। मैंने क्या लिखी है, मैं कमांड डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है कि अगर आपको राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट मिलता है तो उस डिफॉल्ट रूट को टाइप फाइव एल एस ए बना के किसमें एडवर्टाइज करना शुरू कर दो, ओएसपीएफ में, किसमें एडवर्टाइज करना शुरू कर दो, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। एडवर्टाइज हो रहा डिफॉल्ट रूट, मीट्रिक क्या है इसकी, इसकी भी मीट्रिक क्या है, वन, एडवर्टाइज कौन कर रहा है, ठीक है जी।
मैंने इस डिफॉल्ट टू क्या कर दिया, क्या कर दिया, रिमूव। पहले से क्या हो गया, गायब कहीं है एल एस, देखना दिख रहा कहीं, ये लो अब यहां देख लो कहीं दिख रहा है एल एस कब तक रहेगा, जब तक राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट रहेगा, एग्री। दूसरी कंडीशन क्या है, मैं चाहता हूं राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट होना हो, मेरा टाइप फाइव एल एस जरूर जनरेट हो, किस फॉर्म में, डिफॉल्ट रूट की फॉर्म में, ठीक है जी। दिस टाइम आई वॉन्ट द सेम रिजल्ट बट विदाउट डिफॉल्ट रूट इन राउटिंग टेबल, तो मैं क्या करूंगा, राउटर ओएसपीएफ फोर, क्या कमांड चलाई थी पहले मैंने, एक कीवर्ड लगा दूंगा इसके साथ ऑलवेज, क्या कीवर्ड लगा दिया, डिफॉल्ट रूट है राउटिंग टेबल में, नहीं है, देखो शो आईपी रूट स्टैटिक, कोई डिफॉल्ट रूट नहीं है, फिर भी दिख गया आगे चले। राउटर ओएसपीएफ सो इस रूट की मैं क्या सेट कर सकता हूं, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मैंने क्या सेट कर दी 10, मैंने क्या सेट कर दी 10। अब देखो मीट्रिक क्या आ गई, बाय डिफॉल्ट मीट्रिक टाइप क्या है, तो इसकी मैं मीट्रिक टाइप भी चेंज, मीट्रिक टाइप का मतलब पता है सबको, ये डिफॉल्ट रूट कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर मीट्रिक टाइप E2 होगी तो किसी भी हॉप पे कॉस्ट ऐड नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी फॉरवर्ड, लेकिन अगर मैं मीट्रिक टाइप को E1 कर दूंगा तो फॉरवर्ड की होगी, सिर्फ क्या होती जाएगी ऐड। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो ये तरीका था क्या जनरेट करने का, डिफॉल्ट रूट किसमें, ठीक है, जिसमें आप मीट्रिक टाइप भी चेंज कर सकते हो ऐसे। मीट्रिक टाइप क्या कर दी, मीट्रिक टाइप चेंज हो क्या होगी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये थे वेज क्या जनरेट करने के, डिफॉल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्फ़िग सेक्शन पूरा हो गया, ठीक है जी, समराइजेशन पूरा हो गया, डिफॉल्ट। अब क्या रह गया, लास्ट डे पे करूंगा ओएसपीएफ ओवर ऑथेंटिकेशन, उसके बाद फिल्टरिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था, ओएसपीएफ या ईजीआरपी का इकट्ठा पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। आज क्या पढ़ लेते हैं, एक और टॉपिक फिल्टरिंग। अगर आपको फिल्टरिंग करनी है ओएसपीएफ में, फिर वही प्रॉब्लम है यार, देखो ठीक है, ध्यान दो इधर, ये क्या है, सिंगल एरिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R। सबसे पहले मैं किसकी फिल्टरिंग की बात करूंगा, राउट की फिल्टरिंग की। अब अगर R3 से आते हुए कुछ नेटवर्क्स मैंने R2 पे फिल्टर कर दिए, तो आपके अकॉर्डिंग तो वो R1 पे नहीं जाने चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता है ओएसपीएफ के केस में, नहीं,
OSPF के केस में क्या होता है, हर राउटर के पास आइडेंटिकल क्या होता है, डेटाबेस, उसके उस डेटाबेस की हेल्प से वो क्या बनाता है अपने राउटिंग टेबल। नेटवर्क्स तो कभी फॉरवर्ड होते ही नहीं है, नेटवर्क्स तो कभी फॉरवर्ड होते ही नहीं है। तो इनर एरिया फिल्टरिंग करना कभी भी OSPF में रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर राउटर के पास डेटाबेस क्या है, सेम। तो आप डेटाबेस नहीं फिल्टर कर रहे, आप एक्चुअली क्या फिल्टर कर रहे हो, राउट्स। ठीक है जी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। अगर मैं R2 पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाता भी हूं, क्या लगाता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का लॉजिक कहां अप्लाई होता है? देखो, सबसे पहले मेरे पास डेटाबेस आएगा, मैं डेटाबेस पे क्या चलाऊंगा, SPF। SPF से क्या बनेगी, तो राउटिंग टेबल और SPF के बीच में कौन सा लॉजिक अप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का। मतलब डेटाबेस अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैं उन पर्टिकुलर राउट्स को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं इन डायरेक्शन में लगा सकता हूं, आउट में नहीं लगा सकता, क्योंकि सामने वाला अपनी राउटिंग टेबल किसकी हेल्प से बनाएगा, अपने डेटाबेस की हेल्प से। और मैंने कोई डेटाबेस तो फिल्टर किया ही नहीं है, सब पे डेटाबेस अभी भी क्या है, सेम। तो मैं इन डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट लगा सकता हूं, जिससे मैं सिर्फ अपनी राउटिंग टेबल कंट्रोल कर सकता हूं कि मेरी राउटिंग टेबल में ये रूट आएगा या मेरी राउटिंग टेबल में ये रूट नहीं आएगा। लेकिन सामने वाले की राउटिंग टेबल कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है, इट्स नॉट इन माय हैंड। जैसे कि IGRP में होता था, रूट मेरे पास नहीं आया तो सामने वाले के पास भी नहीं जाएगा। OSPF में ऐसा नहीं है, रूट मेरे पास नहीं आया, सॉरी, रूट मैंने अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं किया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करे। ठीक है जी। तभी OSPF में कभी इन अ सिंगल एरिया फिल्टरिंग रिकमेंडेड नहीं होती। ठीक है जी। और लेट्स से R2 पे आपने R3 से जो एक नेटवर्क आया था वो फिल्टर कर भी दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कभी R1 और R3 बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि R2 के पास उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। अब इन एरिया, सिंगल एरिया फिल्टरिंग करना अलाउड नहीं है, तो आप कौन सी फिल्टरिंग करते हो, इंटर एरिया फिल्टरिंग, जिसमें आप कौन से LSA फिल्टर करते हो इस बार, कौन से LSA, Type 3 LSA फिल्टर। इसमें क्या करते हो आप, लेट से ये R1, ठीक है जी, यहां कुछ लूपबैक्स है, यहां भी कुछ नेटवर्क्स है और यहां भी कुछ नेटवर्क्स है। आप चाहते हो ये नेटवर्क्स एरिया 2 से बाहर ना जाए, तो क्या, कौन सी फिल्टर लिस्ट लगेगी, एरिया 2 फिल्टर लिस्ट, और डायरेक्शन क्या रहेगी, आउट। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? एरिया 2 फिल्टर लिस्ट आउट। हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ अपने एरिया से बाहर जाते उन्हीं नेटवर्क्स को रोक सकता हूं जो मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं, जो मेरे एरिया से क्या करते हैं, जो मेरे एरिया से बिलोंग नहीं करते, मैं उनको बाहर जाने से रोक नहीं सकता। अब आप ये भी लगा सकते हो एरिया यहां पे, इसकी बजाय लेट से यहां पे नेटवर्क थे XYZ और P, आप चाहते थे XY और Z बाहर ना जाए। ठीक है जी। आपने क्या बनाई है, एक प्रीफिक्स लिस्ट, जिसमें XY और Z को क्या किया, क्या किया यार, बाहर ना जाए, क्या किया, बाकी सबको क्या किया, परमिट। और एरिया 2 पे लगा दी फिल्टर लिस्ट किस डायरेक्शन में, आउट में। मैं ये भी तो कर सकता था सेम काम, एरिया 1 फिल्टर लिस्ट डायरेक्शन इन, के एरिया 1 के अंदर एंटर ना करो। तो दो तरह से एरिया फिल्टर लिस्ट अप्लाई कर सकता हूं, एक आउट डायरेक्शन में और एक इन डायरेक्शन में। आउट डायरेक्शन का मतलब है कि स्पेसिफिक एरिया से ये पर्टिकुलर Type 3 LSAs बाहर नहीं जाएंगे, और इन डायरेक्शन का मतलब है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये पर्टिकुलर Type 3 LSAs नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर।
तो यहाँ पे चलाएंगे यार एरिया वन, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे लूपबैक्स बना लेंगे कुछ, जैसे कि ठीक है जी, ये लूपबैक्स बना लेंगे तीन यहाँ और तीन ही बना लेंगे यहाँ,
ठीक है जी, आर वन पे जाकर देख लेते हैं सारे डाउट सारे या नहीं आ रहे। तीस वाले आ रहे हैं, चालीस वाले नहीं आ रहे। अरे ठीक है जी, अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 30 वाले एलएसए, ओ ये 30 वाले पहले दो नेटवर्क्स एरिया टू से बाहर ना जाएं। कौन से एरिया से? तो ऑल टू और एबीआर सबको पता है। देखो जी ध्यान से, राउटर आईपी प्रीफिक्स लिस्ट कौन से एरिया के नाम से बना दी? एरिया टू के नाम से। डिनाई क्या कर दिया? वन और टू को सिलेक्ट करना है और थ्री को सिलेक्ट नहीं करना। फिर क्या होगा? जाना चुप रहे। चेक तो करके लिखा हुआ है, कर चेक। स्लैश 30 में तीनों नहीं आ जाएंगे? मेरे को वन और टू को करना है, करके दिखा। बोलो नहीं होगा, अलग अलग स्टेटमेंट डालनी पड़ेंगी। टू और थ्री को कर लेते हैं। ठीक है मना तो क्यों करेगा, मना करने के लिए रह क्या गया जिंदगी में? ठीक है, कौन से? हाँ बहुत कुछ तो है, अब हर चीज के लिए हाँ भी कैसे कर देगा, फंस नहीं जाएगा। मोहित जब तू नहीं आता था ना, तेरे बारे में बहुत गलत गलत बातें करते थे, बताऊंगा तेरे को। स्पेशली ये लड़का आगे बैठा, एक बार तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे, छुपाए मैंने किसी तरह सही में। मैं उंगली उठा रहे थे तुझ पे, मैंने कहा लड़के को कोई प्रॉब्लम होगी? लड़का नहीं है, चलो नहीं लड़का गलत है। तो लोहित भी सोच रहा क्या बोले, बहुत देर हो गई है बात चले। चलो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ना, रोका हमने। ठीक है भाई, डिनाई किसको कर दिया? टू और थ्री और वन मिनट बाकी सबको कर दिया। अब इसमें क्या, राउटर ओएसपीएफ टू में कौन से एरिया से बाहर नहीं जाने चाहिए? एरिया टू से। फिल्टर लिस्ट, फिल्टर लिस्ट में सिर्फ याद रखना आप क्या कॉल कर सकते हो, प्रीफिक्स लिस्ट। क्या कॉल कर सकते हो? प्रीफिक्स लिस्ट, मतलब एसीएल यूसीएल का काम खत्म, एसीएल का काम। ठीक है जी, कौन सी प्रीफिक्स लिस्ट है मेरी? एरिया टू, सॉरी यहाँ प्रीफिक्स भी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा एरिया टू, फिर देनी पड़ेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? आउट, आउट देते ही शो। अगर किसी को दिख रहा था देख लो, वरना बाकी उधर वाले राउटर में जाकर दिखा दूंगा। एरिया जीरो में सिर्फ कौन सा एलएसए जा रहा है? वन डॉट वन डॉट वन। ठीक है, एरिया वन में भी सिर्फ कौन सा एलएसए जा रहा है? थर्टी डॉट वन डॉट वन डॉट।
पॉइंट ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? एरिया टू में तो वो समरी में आएगा ही नहीं, एरिया टू से तो वो बिलोंग करता है आर वन। पहले सारे नेटवर्क सारे थे, देख लो कौन सा आ रहा है सिर्फ 30.1.1. नहीं ब्रो, अगर कर सकते हो तो बता देता, सिर्फ आप इसको किस बेसिस पे कर सकते हो? एरिया बेसिस पे। और एरिया बेसिस पे करने के लिए कौन से मोड में जाना पड़ता है? राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। फाइन, एक्चुअली मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, टाइप 3 LSA फिल्टर कर रहा हूँ। LSA फिल्टर किया ना मैंने आपके सामने, दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं जाता हूँ लेट से के 10.1.1 एरिया 0 में एंटर ना करे, तो मैं दोबारा R2 पे आऊंगा। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट किस नाम से बनाऊंगा? क्या डिनाई करना है मुझे? बाकी सब कुछ क्या कर दिया? परमिट, राउटर, एरिया 0, फिल्टर लिस्ट, प्रीफिक्स, एरिया 0, डायरेक्शन, एरिया 0 में पर्टिकुलर प्रीफिक्स एंटर ना करें तो रिजल्ट आपको कहां के दिख जाएगा? ठीक है जी। तो 10 वाले कौन से प्रीफिक्स आ रहे हैं? सिर्फ 10.1.1.2 और 3, क्योंकि डॉट वन को मैंने क्या कर दिया? देना। तो किसी एरिया से बाहर निकलना भी कंट्रोल कर सकते हो और किसी एरिया के अंदर आना भी कंट्रोल आप कर सकते हो। ठीक है जी, याद रखना इनके टाइम पे जब डायरेक्शन इन होती है तो एरिया वो होता है जिसके अंदर एंटर हो रहे होते हैं, और जब आउट डायरेक्शन होती है तो एरिया वो होता है जिससे बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर बहुत है आज के लिए। कल ऑथेंटिकेशन पढ़ाऊंगा और वर्चुअल लिंक पढ़ाऊंगा। ठीक है, परसों SPF खत्म, मैक्सिमम कल भी हो सकता है। तू भ्रम की देवी है संगीत।